नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। मैं अशोक ठाकुर आज मौजूद है लालनपुर, जहां पे मानसरोवर पे जहां पे पौधा वृक्षारोपण किया जा रहा है और यहाँ पर हम लोग का कार्यक्रम में वृक्षारोपण का किया जा रहा है, जिसमें हमारे उम्मीदवार विभाग के सभी जवान सम्मिलित हुए हैं। और ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया है। 17 अक्टूबर तक ये चलेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे उम्मीदवार विभाग के द्वारा हर एक ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का योगदान है और उनके हम लोग नीचे हैं, और जैसा उनका आदेश हुआ है हमारे मंत्री जी का, धर्मवीर प्रजापति जी का, उसके अंतर्गत हम लोग ये वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। और इसका मेन भी ये है कि अभी हमने देखा है कोरोना काल में कि ऑक्सीजन की बहुत पर्याप्त मात्रा में कमी हो गई है, और जो हम ये वृक्षारोपण कर रहे हैं पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब ऑक्सीजन, ज़्यादातर ऑक्सीजन देते हैं। जैसे कि कम ऑक्सीजन वाले पौधे हम लोग नहीं लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली पीढ़ी में अगर इस तरह का कोई आपात दिक्कतें आती हैं तो जिसमें हमको संकट का सामना न करना पड़ा। और यही हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का है कि कार्यक्रम करके पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को समाप्त किया जाए और आने वाली पीढ़ी भी इसको ध्यान रखें कि पेड़ जो कट रहे हैं ज़्यादा मात्रा में वो कम कटे, और कटे तो उसके 2-3 गुना लगाने का प्रयास हमारे समाज के तरफ से किया जाए। पीपल का, बरगद, पाकड़, नीम, गुलर का, ऐसे अन्य और पौधे लगाए गए, जिसमें 50 पौधे लगाए गए हैं कंपनी कुपांग की तरफ से ग्राम लालनपुर में। और इसमें जो कि कोविड-19 में जितने ऑक्सीजन की गतिविधियाँ कम थी, हमारे माननीय उसमें जो है कि उनके उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन पे आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया गया है। वृक्षारोपण से ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन कोविड में सबसे ज़्यादा कम रहा, इसलिए जो है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से यह जो है कि आयोजित किया गया कि जितना से जितना हो सके ऑक्सीजन का पौधा लगाया जाए। हमारी जनसंख्या कड़ी जनसंख्या है, कम से कम उनको ऑक्सीजन की कमी न हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। और यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, देखिए मनरेगा के लोग काम करने वाले हैं, और यहाँ पे प्रधान जी भी हैं, और यहाँ पे जो होमगार्ड के सारे लोग जवान भी हैं और अधिकारी भी हैं। आइए हम काफ़ी जो है ऑक्सीजन की कमियां रही, आज जो है यहाँ पे वृक्षारोपण करके लोगों के जरिए जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी न होने पाए, इसलिए जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, इससे क्या लोगों को संदेश दे रहे हैं? लोगों को संदेश दे रहा है कि जो वो अभी जितने लोग हैं अपने घर में 2-4 पौधा जरूर है,